हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इट. दीज आर ऑफ थ्री टाइप्स. एटम की नेचर के अकॉर्डिंग मैटर को हम थ्री टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. फर्स्ट इज एलिमेंट्स, सेकंड कंपाउंड, थर्ड मिक्सचर्स. सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एलिमेंट्स. Substances that are made up of only one kind of atoms, example hydrogen. Elements वो substance होते हैं जो only एक ही kind के atom से बनते हैं. Example इसमें hydrogen के, hydrogen gas. Next we will discuss about compounds. Substances that are made up of more than one kind of atoms combined together. Water contains hydrogen and oxygen. Compounds वो substance होते हैं जो एक से ज़्यादा atom के कंबाइन होने पर बनते हैं. जैसे वाटर कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. वाटर का क्या फार्मूला होता है? H2O. मींस टू मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के एंड वन किसका है? ऑक्सीजन का है. कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट मिक्सचर्स. सब्सटेंसेस डैट आर मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ एटम्स बट आर नॉट कम्बाइंड टूगैदर. एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट. मिक्सचर क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा एटम के बनते हैं बट वो कम्बाइंड नहीं होते. एग्जाम्पल किसकी है? वाटर एंड सॉल्ट. वाटर हम अलग से लेंगे और सॉल्ट अलग से लेंगे, और इन दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो ये मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर दोनों का मिलके मिक्सचर बन जाएगा. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. इंटर कन्वर्शन का क्या मीनिंग है? कि जैसे वाटर है हमारे पास, उसको हमने फ्रीज़र में रखा तो वो सॉलिड स्टेट में चला गया, वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया. एंड जब हम लिक्विड को बॉयल करेंगे तो वो वेपर की फॉर्म में, स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. इसका क्या मीनिंग होगा? लिक्विड से वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. इंटर कन्वर्शन मीन्स एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है. मैटर कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बाय सिंपल प्रोसेसेस लाइक फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग एट्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन बी कन्वर्टेड टू गैशियस फॉर्म बाय बॉइलिंग एंड आइस कैन बी कन्वर्टेड टू वाटर बाय मेल्टिंग. इसका क्या मीनिंग है? कि वाटर को जब हम बॉयल करेंगे तो वो गैसेस फॉर्म में चला जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा, और जब हम वाटर को फ्रीज़र में रखेंगे तो वो आइस की फॉर्म में सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे हमारे पास वाटर है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, जब हम इसे फ्रीज़र में रखते हैं इसको तो ये सॉलिड स्टेट में चला जाता है, और जब हम इस लिक्विड वाटर को बॉयल करते हैं तो ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. इसका क्या मीनिंग होगा? इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर. एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाए मैटर, उसको बोल देंगे इंटर कन्वर्शन ऑफ मैटर. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट चेंज ऑफ स्टेट. व्हेन मैटर इज़ कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अदर इट इज़ कॉल्ड चेंज ऑफ स्टेट. जब मैटर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम बोल देंगे चेंज ऑफ स्टेट. Let us understand the various processes that take place during change of state. Conversion of solid into a liquid is called melting. Solid को हमने heat किया और ये melt होकर liquid state में चला गया. ये क्या हो गया? Conversion of solid into liquid is called melting. Conversion of liquid into a solid is called freezing. हमारे पास लिक्विड है, हमने फ्रीज़र में रखा वाटर को और ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया. इस प्रोसेस को हमने बोल दिया फ्रीजिंग. कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन. हमारे पास वाटर है इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, और जब इस लिक्विड वाटर ने सनलाइट ली तो ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर की फॉर्म में चला गया. इस प्रोसेस को बोल देंगे हम एवेपोरेशन. Thank you, students.